प्रणाम दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के साथ मैं अमित, जी हाँ मैं आत्मा जिसके शरीर का नाम अमित है, आपके बीच में पुनः उपस्थित है। आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवत गीता 17वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो यथार्थ विधि को छोड़ श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा किस प्रकार की है? सात्विकी है या राजसी है अथवा तामसी है? श्री भगवान बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विकी, राजसी और तामसी, ये तीनों प्रकार की श्रद्धा है। सो सुनो, सात्विकी मनुष्य देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जन भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम, विषय अनुराग और आग्रह युक्त, शास्त्र में न कहा हुआ उग्र तप करते हैं, वे मूर्खता से अपने शरीरस्थ आत्म को कष्ट देते हैं, उन्हें निश्चय ही आसुरी जानिए। जैसे प्रत्येक को तीन प्रकार का आहार प्रिय है, उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी तीन प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस युक्त पोषक आहार सात्विकों को प्रिय हैं। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गर्म, तीखे, चरपरे, रूखे एवं दुख, शोक तथा रोग जनक भोजन राजसी लोगों को प्रिय हैं। पैरों का रखा हुआ अरिरस, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट, अपवित्र भोजन तामसी लोगों को प्रिय लगता है। ज्ञान यज्ञ करना ही है, ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। फल की कामना से और लोक दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजसी जानो। शास्त्र की विधि से हीन, अन्न दान मंत्रहीन तथा बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामसी कहलाता है। देवता, द्विज, गुरु तथा विद्वान, इनका पूजन, पवित्रता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल न दुखे, सत्य, प्रिय, हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास, वाचिक अर्थात वाणी का तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, आत्मनिग्रह तथा निष्कपट रहना, यह मानसिक तप है। यह तीनों प्रकार के तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किए जाएं, तो सात्विकी तप कहलाता है। अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप राजस है, जो दुरूह व आत्मा को कष्ट देकर व दूसरे के नाश के लिए किया जाए उसे तामस तप कहते हैं। जो फल की इच्छा त्याग उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान में सत्पात्र के बदले कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है उसे सात्विक दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार एवं किसी फल की इच्छा से क्लेश पूर्वक दिया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। ओम, तत् और सत, यह तीन ब्रह्म के नाम हैं। इन्हीं से आदिकाल में ब्राह्मण और वेद हैं।
इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ दान तथा तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं ओंकार उच्चारण सद्भाव एवं साधु भाव से किया जाता है तथा मांगलिक वैदादिक कर्म में भी सत शब्द का उच्चारण करते हैं। ईश्वर प्राप्ति के अर्थ जो कर्म है यह भी सत कहते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा से रहित दान तप तथा अन्य जो कर्म किए जाते हैं वह असत कहलाते हैं। वह न इस लोक में और ना ही परलोक में हितकारी हैं। मन से वचन से कर्म से यानी मनसा वाचा कर्मणा किस प्रकार से हम तपस्वी बन सकते हैं, किस प्रकार से परमात्मा से योग लगाकर योग युक्त हो सात्विक बन सकते हैं, इसका स्पष्टीकरण हमें इस 17वें अध्याय में सुनने को मिला। अब उस अध्याय की ओर बढ़ेंगे जिस अध्याय तक पहुंचने के लिए संपूर्ण गीता ज्ञान कहा गया है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। लेकिन 18वां अध्याय लेकर आपके बीच में आऊं उससे पहले फिर निवेदन करूंगा कि श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय का हम बार बार श्रवण करें, बार बार मनन चिंतन करें, क्योंकि एक बार पढ़ने से वह बातें शायद बुद्धि तक आत्मा तक न पहुंचें जो परमात्मा अपनी आत्माओं तक पहुंचाना चाहते हैं, है ना। तो श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के साथ मैं आपके बीच में पुनः उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।